कवच पहन लो या वरदान का मृतपान कर लो। नमस्कार मित्रों की नई वीडियो फिर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ बनारस का दुर्गा पूजा पंडाल। आज डेट की बात करें तो आज है 10 अक्टूबर और चलते हैं आपको दिखाते हैं वीडियो को लास्ट बने, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये जाम देख सकते हैं लग चुका है, बनारस का दुर्गा पूजा पंडाल लोग घूमने निकल चुके हैं और जाम तगड़ा लग चुका है। ये देखिए यहाँ से जाम देखिए आप। अरे रास्ता भी बंद है पूरे इस समय क्योंकि चालू हो चुका है दुर्गा पूजा पंडाल इस समय। डेट की बात करें तो आज 10 तारीख है। ये देखिए यहाँ से कितना अद्भुत लग रहा नज़ारा यहाँ से। चलिए चलते हैं यहाँ से हम लोग आगे की ओर। यहाँ से ये देखिए इतना अद्भुत लग रहा नज़ारा ये, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। यहाँ हर साल लाइट काफ़ी बढ़िया किया जाता है, लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत लाइट लगाई जाती है यहाँ पे हर साल। और लग चुका है एकदम। चलिए मैं घुमा के दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ से घूम। ये देखिए यहाँ से यहाँ से हम लोग आगे अंदर की ओर। अभी देखिए रात होगा ना भयंकर भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। भीड़ देखिए यहाँ पे भीड़ चालू हो चुका है। ये भीड़ आप देखिए सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मैंने अनगिनत घटनाओं को देखा और अनुभव किया है। आज मैं आपको
आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो देवी कात्यायनी के उस महान सफर से जुड़ी है जहाँ वे महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हैं। ये कथा नवरात्रि के प्रारंभ से लेकर धर्म की अधर्म पर विजय तक की यात्रा को दर्शाती है। ये कैसी लीला है महादेव, आपकी अनुमति भी है और मेरा प्रयास भी, इसके उपरांत भी मैं आपकी परिक्रमा क्यों नहीं कर पा रहा हूं महादेव। परिक्रमा भक्त और भगवान के मध्य अटूट बंधन है ऋषिवर, भक्त के रूप में आप पूर्ण हैं किंतु भगवान के रूप में मैं अपूर्ण। मेरी परिक्रमा करने से पूर्व अपने इष्ट का वास्तविक स्वरूप जान लो भृंगी, वो कभी पूर्ण पुरुष नहीं है, उसका वाम अंग पूर्णता पार्वती तुम्हारा आराध्य अर्धनारी अर्धनारी, पुरुष का आधा भाग नारी, पुरुष का वाम अंग नारी ही। महादेव नामक ये ईश्वर वास्तव में अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर। महादेव इसे तुम अपनी अंतिम चेतावनी समझो महिषासुर। और मैं कहता हूँ आगे बढ़ो महिषासुर, आज ब्रह्म योग और मैथुन के साथ साथ कैलाश के भी स्वामी बन जाओ। केवल वो स्त्री मार सकती जो स्त्री देव की शक्तियों से सज हो। कवच पहन लो या वरदान का अमृत पान कर लो, जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद होगी। जो नारी की शक्ति का उपयोग करेगा वो स्वयं अशक्त होकर भूमिशाही होगा। नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब तब उसके अंत को शक्ति जागेगी। अहंकार आज तुम्हारे साथ साथ इस अहंकार का भी अंत होगा और तुम्हारे मुख्य उदाहरण बनेंगे नारी की दुर्बलता का। Jack Ross!